समझे। इसी क्रम में ये मैं बारंबार कह रहा हूं, भक्ति की हर एक साधन क्रम ही सिद्ध प्रणाली है। ये कनिष्ठ स्तर में पहुंचाने के लिए कोई भी भजन नहीं है, ना हरिनाम, ना भागवतम, ना मथुरा वास, ना गुरु सेवा, ना विग्रह सेवा, ना भगवान के लिए रसोई, ना गोमाता सेवा, धाम सेवा, ब्रजवासी सेवा। अगर हम अनुगत्य में कर रहे हैं, स्वतंत्र बुद्धि से कर रहे हैं, तो वो घातक है ही। स्मृति शास्त्र पंचरात्रिक विधि बिना ऐकांतिक हरिर्भक्ति उत्पात एव कल्पते, वो उत्पात होता है। वो केवल अपना तो विनष्ट करता ही, कईयों को विनष्ट करता है। हाँ, क्योंकि वो माताहती हो जाता है, वो अपराध का क्रम में लड़ जाता है। वो सोचता है कि मैं भजन कर रहा हूँ, लेकिन वो अपराध के क्रम में चला जाता है। लेकिन अगर अनुगत्य में कर रहा है, निश्चित रूप से कोई भी भजन ले ले, कोई भी भजन ले ले, अगर गुरु कृष्ण को स्मरण करके निरंतर रूप से वो कर रहा है, वो अपने आप में सिद्ध प्रणाली है। अपने आप में ये जो प्रणाली है भक्ति के, चाहे 64 अंग हो, नवदा भक्ति हो, पंच भक्त मुख्य भक्ति हो जैसे महाप्रभु के क्रम में, या कोई एक भी भक्ति मानो हरिनाम कोई ले ले, या कोई भी क्रम ले ले, या कोई भी गुरु प्रदत्त मार्ग हो, गुरु के प्रदत्त जो मार्ग है, चाहे वो कुछ किसी भी हो। जैसे सांदीपनि मुनि को उन्होंने गोचारण के लिए ही जीवन भर लगाया, आरुणि को केवल भिक्षावृत्ति के लिए उन्होंने लगाया, और कई ऐसे महाभारतों में रामायण में सूत्र प्राप्त होते हैं जिसमें साधक जो जीवन भर झाड़ू किया, कि जैसे चौका लगाने की जो कथा का था, याद है आपको, जो चौका लगाता था, चूल्हा का चौका लगाता था गोवर्धन में, तो वो साधक राधा कृष्ण को प्राप्त किया। तो अर्थात वो गुरु प्रदत्त मार्ग, गुरु बोले कि तुमको बस चौका लगाना है सुबह शाम, क्योंकि भंडारा बहुत होता है मठ मंदिरों में, बहुत एक बार रसोई हुआ तो फिर से चूल्हा चौका लगाया जाएगा, बर्तन साफ करेगा, प्रसाद बर्तन, ठाकुर जी का बर्तन, जो भक्तों का वितरण का बर्तन, चूल्हा चौका माने बस साफ सफाई का काम, लिपाई का काम, पुताई का काम, यही जीवन भर करते रहे। बस वो बोले कि गुरु कृष्ण को स्मरण करते रहेगा और करते रहे, हाथ में काम मुख में नाम, हाथ में काम मुख में नाम, हाथ में काम मुख में नाम, कि सहने की भोजने की वाजागरणे अहरने से चिंता कृष्ण, कृष्ण को चिंता करते हुए, खाली बोलना नहीं है। यहाँ पे महाप्रभु बोलते चिंता कृष्ण, चिंता किसमें, हृदय में, मन में नहीं, हृदय में चिंतन करना है। तो धीरे धीरे हृदय में करेंगे तो मन भी शुद्ध हो जाएगा। भजो हरे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद। तो इस प्रकार से अगर गुरु कृष्ण को स्मरण करते कोई भी भजन करें, गायत्री इसका एक मुख्य आधार है, जिसमें हम भयभीत रहते हैं क्योंकि कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। उसी क्रम में कोई भी सेवा हो, चाहे गुरु सेवा हो, कृष्ण सेवा हो, गौ सेवा हो, अगर हम गुरु के अनुगत्य में कर रहे हैं तो उसमें निष्ठावान होकर के अगर हम गुरु कृष्ण को निरंतर स्मरण कर रहे हैं, अगर निष्काम और निरपराध रूप से कर रहे हैं, अपने आप में वो सिद्ध प्रणाली है, इसमें कोई संशय का अवकाश है नहीं। लेकिन गायत्री उसका मुख्य सूत्रपात करता है, मानो ये हेड है और बाकी सब ब्रांचेस हैं, या सभी ही ब्रांच जो है अपने आप में परिपूर्ण है, तत्वगत रूप में अपने आप में परिपूर्ण है, और गायत्री एक उसका मुख्य सूत्रपात करता है, अपने आप में सिद्ध प्रणाली, क्योंकि इसकी भूरी भूरी प्रमाण है। चाहे जगन्नाथ जी की भक्तमाल परंपरा ले ले, या जो वारकरी हैं, महाराष्ट्रीय जो वारकरी हैं उनकी भक्तमाल परंपरा ले ले, या लौकिक जो जैसे गोरखपुर गीता प्रेस से निकला हुआ जो भक्तमाल, उसमें भी कई भक्तों की चरित्र है। कोई देखें अलग अलग भक्ति की मार्ग है, वो गुरु ने बताया ऐसा करो वो करे, कसन सदाय क्या है, कसाई जो था, सदन कसाई, हाँ वो मांस काट करी, वो कितनी कथाएं हैं। उस दिन मैं एक बार कथा में बोला था, मैंने इतनी गुरु, मैंने कोई भी गुरु प्रदत्त मार्ग में इतने उच्च कोटि के सिद्ध बन गए वो लोग, ना वो हरिनाम करते थे, ना गायत्री करते थे, ना कोई भी गृह सेवा करते थे, कोई बस यमुना में पानी लाता, श्यामानंद प्रभु एक ही उनका सेवा था अंबिका कल्ला में, कि वहां पे जल लाना गंगा जी से और जल ला करके बगीचा में पानी पटाना। जगन्नाथ दास बाजी महाराज भी कितना घंटा सेवा देते थे, 16 घंटा फिजिकल सर्विस। जगन्नाथ दास बाजी महाराज जो उनके आश्रम में रहेगा, गुरु प्रदत्त मार्ग क्या करना कि
तो जमीर मु जमी हड़िया मान कि ओडिया में गीते कालिया रे कालिया कालिया रे कालिया करी दे तू मते जमी हड़िया माने तेरे जमीन का हड़िया हड़िया माने अब हलिया शब्द आता है बिहार में नौकर खलासी बोलते हैं जिसको हलिया हलिया माने माने क्रयित नौकर जो होता है माने उसका एक बिंदु पर बोलने का भी अधिकार नहीं होता है हलिया वह भाव रहता है भक्त का जो भाव है ये सालवेग लिख रहे हैं सालवेग जी लिख रहे हैं कर दे तू तुम होते जमी हड़िया तो हड़िया माने नौकर माने क्रयित नौकर होता है कुत्ता से भी और भी निकृष्ट जिसका दौजा होता है ना उसका जो स्तर होता है बस कुत्ता से भी और निम्न होता है तो वो कर दे मुझे वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर। तो यह जो निरंतर यह जो विचार जो है गुरु प्रदत्त मार्ग है वो कहे उसमें सिद्ध हो गए लोग भक्तमाल अगर पढ़ेंगे ना भागवत स्वामी के जो भक्तमाल है उसमें भी अनेक चरित्र प्राप्त होता है कोई रसोई कर रहा है बस वो भगवान को पा गया कोई महिला है क्या अयोध्या वाला तो बता ही थे तो खाना पीना खिचड़ी खाना और बस भगवान को पा गया वो हाँ वो भजन किया तो पाया नहीं और खाया पिया खिचड़ी खाया सोया बस आराम से भगवान को पा गया हाँ प्रसंगात्मक वो निकल नहीं रहा है लेकिन वो तो हम आप सबको अवगत किए ही थे एक दिन उस रूम में कैसे भगवान को पा गया तो ये विचार है कि गुरु प्रदत्त मार्ग को अगर निष्ठा से और निरपराध रूप से करेंगे तो अपने क्योंकि गुरु सिद्ध होते हैं प्रणाली बता दी क्योंकि एक्चुअली जो उन्नत अधिकारी का जो स्थिति है ना हर एक में भगवान को देखता है जैसे हम कह रहे हैं कि तुम खाओ ये भी हरिनाम हो जाता है जब हरिनाम में सिद्ध होते हैं आप तो हर एक वाक्य में ही भगवान को अनुभव करते हैं स्थावर जंगम तारे ना देखे कि सर्वत स्मृत है हर एक शब्द में ही बीजाक्षर का अनुभव होगा प्रणवाक्षर का अनुभूति होगा हर एक जगह पे भगवान दिखेंगे स्थावर जंगम चाहे कुत्ता हो भेड़ हो बिल्ली हो सुअर हो सब में भगवान दिखेंगे वेणु माधव केवल विग्रह में नहीं दिखेंगे कनिष्ठ स्तर मध्यम स्तर के लिए है लेकिन शुद्ध भक्त जो है उत्तम अधिकारी है हर एक स्थान में भगवान को देखता है। अच्छा तो इस तरह प्रकार की उन्नति हमारे अंदर परिप्रकाश होता है अर्थात कहने का उद्देश्य यह है यज्ञोपवीत के माध्यम से हम भजन करने का साधन करने का गंभीरता से एक सूत्रपात करते हैं लेकिन इसी सूत्र में भजन का कोई भी अंग हो अगर वह गुरु प्रदत्त मार्ग है तथा हम गुरु की अनुगत्य में कर रहे हैं उनकी आज्ञा और उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो अपने आप में वह सिद्ध प्रणाली है प्रत्येक पद पद में प्रत्येक कण कण में आप ब्रह्मलोक से भी ऊपर उठ जाते हैं प्रत्येक कण कण में आप गोलोक वृंदावन का अनुभूति करते हैं कोई भी सेवा हो कोई भी कंस्ट्रक्शन हो कुछ हो चाहे बोले चाहे वो माने चमार का सेवा हो जैसे रैदास ने माने चमड़ा को सिलाई किया लेकिन कण कण में उसको वो भगवान को अनुभव किए अपनी वृत्ति को अपनी जीविकाओं को छोड़े नहीं न सदन कसाई ने अपनी कसाई कर्म को छोड़ा तो यह दिव्य अनुभूतियों को बड़े बड़ा ब्राह्मण ऋषि पाया नहीं जो कृष्ण सार मृग का जो कथा है उसमें वो जो व्याध ने भगवान को पा गया हाँ हिरण वाला तो इसलिए इससे हम साधकों को बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए जय जन भजे कृष्ण से बड़ा चतुर तो हमको कभी भी संकीर्ण मानसिकता में फंसना नहीं चाहिए गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमको हर एक साधन भक्ति का अंग को निर्वाह करना चाहिए और इसी में ही हम संतुष्ट रहेंगे और किसी में संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। तो इस विचार से गायत्री के सूत्रपात लेकर के भजन के साधन के कोई भी मार्ग हो कोई भी मार्ग हो अगर वह गुरु प्रदत्त मार्ग है एवं वह अनुगत्य में और गुरु की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं कृष्ण के गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो अपने आप में वो सिद्ध प्रणाली है। लेकिन गायत्री में अक्षरात्मक एक सीढ़ी है पहुंच है बीजाक्षरों के
माध्यम से, प्रणवाक्षर के माध्यम से, स्वतंत्र मंत्रराज के माध्यम से निर्दिष्ट वह देवता जो है, या चाहे गुरु हो, कृष्ण हो, या ब्रह्म गायत्री हो, चैतन्य का गायत्री हो, गोपाल गायत्री हो, या अन्य कोई सांप्रदायिक मत में अनगिनत गायत्री है, उसी क्रम में एक अक्षरित अक्षरात्मक अर्थ रहता है, मंत्र का भाव रहता है, उसकी परिसीमाएं रहती है, उसकी दिव्यता रहता है। उसी सूत्र से हम धीरे धीरे इस ब्रह्मांड से ऊपर उठते हुए प्रणवाक्षर के कृपा से, गुरु तत्व की कृपा से हम भगवत धाम की ओर निरंतर जाते रहते हैं। कम से कम एक साधक जो होता है, जो सिद्ध प्रणाली से सिद्ध किया हुआ है, वो भगवत धाम को 3 बार यात्रा करके आता है। लेकिन यह वैधि भक्ति की अंतिम सूत्र दीक्षा होता है, शिक्षा होता है, इसी क्रम में वो उसकी यात्रा अनायास ही चलता रहता है। लेकिन पूर्ण रूप से निवास करना, तो परिपूर्ण रूप से जो गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है, ऐसे करते करते माना 3 बार ही समर्पित हो रहा है, तो 30 बार समर्पित होना, 300 बार समर्पित होना, 3 लाख बार समर्पित होना, 3 करोड़ बार होना, और अगणित बार समर्पित होने का एक सूत्रपात हमको करता है यह गायत्री। हमको परिमार्जित करता है, सुसंस्कृत करता है, हमको निर्दिष्ट दायरे में हमको रखता है। हम अपनी सीमाओं को, अपनी जो विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रेम को गुरु कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं इस गायत्री के माध्यम से, और दिव्यता की मार्ग में हम धीरे धीरे अग्रसर होते हैं, और भौतिकता के मार्ग से, कलमस्ता से हम धीरे धीरे छूटते हैं, विच्युत होते हैं। तो यह इस प्रकार से यज्ञोपवीत तथा गायत्री हमारा परम कल्याण का सूत्रपात करता है। इसी क्रम में समस्त भजन के मार्ग जो है, साधन के मार्ग है, अगर गुरु प्रदत्त मार्ग है और गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उसको हम कर रहे हैं उनकी अनुमति लेकर के, निश्चित रूप से वो अपने आप में सिद्ध प्रणाली है और परम हमारा हितकारी होता है।